तो वहीं बिहार शराब कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। जहरीली शराब पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई पुलिस की। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले छापेमारी की गई और इसके साथ ही जहां पर भी जानकारी मिली वहां पुलिस गई और एक प्रोसीजर के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। 12 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, अब तक 13 लोगों की मौत हुई जहरीली शराब पीने से। बिहार शराब कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसमें आपको बता दें कि 12 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो बिहार में जहरीली शराब को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और जहरीली शराब पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब पुलिस आगे ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर कैसे ये शराब बनाते थे, कहां कहां पर इनके ठिकाने हैं। संजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या जानकारी मिल रही है पुलिस के इस एक्शन को लेकर? देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब तक 13 लोगों की पुष्टि, सरकारी पुष्टि हो चुकी है और 15 लोगों ने अपने आंखों की रोशनी खो दिया है। और ये देखिए, ये मामला बहुत कल से ये मामला चला, ये छपरा के फुलवरिया नोनिया टोली और भाता सुना का ये पूरा मामला है, जिसमें कि जो कई गंभीर लोग हैं पीएमसीएच में इलाज के लिए लाया गया है। अगर पुलिसिया कार्रवाई की हम बात करें तो इसमें मुखिया पति समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो थाना प्रभारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से लंबित कर दिया गया है। तो ये फुलवरिया हल्का के जो चौकीदार हैं मुन्ना मांझी को तत्काल प्रभाव से लंबित कर दिया गया, वहीं शराब के जो धंधेबाज हैं मुखिया पति समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसको 15 लोगों को और हिरासत में लिया गया है। लगातार पूछताछ जारी है। और देखिए, जाहिर तौर पर बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद और जिस तरह से लगातार मौत आप देखे होंगे, पिछले नवादा में भी इस तरह के मौत के मामले सामने आए थे, गोपालगंज में आया था, तो कहीं ना कहीं सिस्टम फैलुअर है पूरा। और भले ही सरकार दावे कर ले कि पूरी तरह से शराबबंदी है, ड्राई स्टेट है, बट ये बिल्कुल साफ हो गया है कि शराब के धंधेबाज बेखौफ होकर शराब तस्करी शराब बेचने में लगे हैं। और इस पूरे मामले में मद निषेध विभाग के जो आईजी हैं अमित राज को वहीं छपरा में वो कैंप कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि इसमें किन किन लोगों का हाथ है, कौन से शराब माफिया हैं, इसकी और भी धरपकड़ अभी जारी है। बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।